हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ मेरा डेली मेकअप रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आई लव मेकअप, पर मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो शायद आप ये फॉलो ना करना चाहें, पर अगर आपको नो मेकअप मेकअप लुक पसंद है तो ये वीडियो परफेक्ट है आपके लिए। यही मैं हमेशा करती हूँ, चाहे वो शूट के टाइम हो या फिर कहीं बाहर जाने के टाइम। अभी मैंने फेस पे आइस क्यूब्स रब किया था और थोड़ा सा लिप्स पे टिंटेड लिप बाम अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। पर चलो अब स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं मेकअप नहाने के जस्ट बाद करती हूँ, तो नहाने के जस्ट बाद करती हूँ तो उस टाइम मेरा ऑलरेडी बन बना हुआ होता है, पर अभी बन नहीं बना हुआ है। और ये क्लिप्स भी मैंने लिए हुए हैं तो इनका भी यूज़ कर लेते हैं। कितने क्यूट है ना ये, और इनको लगाने के बाद तो ये और भी क्यूट लगते हैं। इतना इनफ नहीं था तो मैंने पीछे एक छोटा सा क्लिप भी लगा लिया है। वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, पर पूरे हेयर मुझे पीछे चाहिए थे। सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ एलोवेरा जेल, और ये एलोवेरा जेल ना ऐसे अप्लाई करने के बाद निकलता नहीं है। बहुत सारे एलोवेरा जेल होते हैं ना, जब आप उन्हें बहुत देर तक मसाज करते हो तो वो निकलने लग जाते हैं, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए होता, इसलिए मैं ज़्यादातर ये अप्लाई करती हूँ। इसको ना थोड़ा सा ही अप्लाई करके बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं ये बेबी क्रीम अप्लाई करती हूँ। तो डे टाइम में मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ और ये क्रीम स्किप कर देती हूँ, पर नाइट टाइम में मैं ये क्रीम अप्लाई करने के बाद फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। तो अभी मैं सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई करने वाली हूँ, और फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले मुझे थोड़ा ऑयली क्रीमी क्रीम अप्लाई करना पसंद है, तो इसलिए मैं वो बेबी क्रीम लगाती हूँ। ये सनस्क्रीन भी बहुत अच्छा है, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है अप्लाई करने के बाद। इसका थोड़ा सिलिकॉन टेक्सचर है तो फाउंडेशन के नीचे सही रहेगा ये। डोंट वरी, ये कम्प्लीटली ब्लेंड हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा ये, और इस तरीके से थोड़ी देर मसाज भी हो जाएगा, जो कि मेरी स्किन के लिए अच्छा है। अच्छे से ब्लेंड करके मैं इसे नेक एंड चेस्ट पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ। वैसे बॉडी के लिए मैं दूसरा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, ये वाला मैं फेस के लिए यूज़ करती हूँ ताकि जल्दी ख़त्म ना हो जाए। हो गई मेरी स्किन यहाँ एकदम चुम्मेश्वरी। अब मेकअप के बिना भी चलेगा, पर मैं आप लोगों को मेकअप भी दिखाने वाली हूँ तो आज तो वो नहीं चलेगा। फाउंडेशन जब से मैंने लगाना स्टार्ट किया है लगभग 3 साल पहले से, तब से मैं ये मेबलिन का 228 सॉफ्ट टैन ही यूज करती हूँ। ये शेड मेरे टोन के लिए परफेक्ट है। बाय द वे, टोन से याद आया, अगर आपको लगता है कि मेरा फेयर कॉम्प्लेक्शन है ना, तो मैं बता दूं मेरा फेयर नहीं है, गेहूं रंग होता है ना तो वो है मेरा, और मुझे मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज्यादा पसंद है। जिनको नहीं पता गेहूं रंग कौन सा होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गेहूं मतलब जो गेहूं का कलर का रंग होता है। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं ये स्पंज यूज करती हूँ, और इसे यूज करने के लिए पहले तो मैं इसे वॉश करती हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा ना कि इसे तो वॉश ही करते हैं, पर मैं इसे वॉश नहीं, मतलब साबुन से वॉश करती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं इसे यूज करती हूँ। ऐसे नहीं कि नॉर्मली डैम किया और यूज कर लिया, मुझे फिर वो क्लीन नहीं लगता। फाउंडेशन थोड़ा सा, मतलब एक ड्रॉप जितना मैं पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई करती हूँ, और अब इससे फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद इसका काम हो गया है यहाँ पे खत्म। मतलब नहीं, दोबारा भी यूज करना है, पर कोई बात नहीं, मैं इसे वॉश कर लूंगी। इसके बाद मैं ये बेबी पाउडर अप्लाई करती हूँ, बहुत थोड़ा सा ही करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही अप्लाई करने में ये ज्यादा वाइट हो जाता है, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा सा ही अप्लाई करती हूँ। और ये बचे कुचे पाउडर को कुछ इस तरीके से नेक वगैरह पे अप्लाई कर लेती हूँ। इतना ही सिंपल रखना मुझे पसंद है, क्योंकि जितना सिंपल है उतनी जल्दी ये हो भी जाता है। अब टाइम कहाँ लगता है, इसके आगे जो मैं करती हूँ ना उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लिप बाम मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, तो अब मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ NYBA का स्मज प्रूफ लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ। इनमें मेरे पास 3 शेड्स हैं, पीच सॉबे, रोज रोमांस एंड मैजिक मॉव। स्मूथ एंड सॉफ्ट टेक्सचर है इसका, क्विक ड्राई फॉर्मुलेशन है, और ये लॉन्गेस्ट टाइम तक फ्रेश रहता है। सुपर स्मूथ एप्लीकेशन है, हाईली पिगमेंटेड, और ये ट्रांसफर प्रूफ है।
लिपस्टिक मेरे सीक्वेंस में कहीं भी आ जाता है, कभी मस्कारा से पहले तो कभी उसके बाद में। स्टार्टिंग के सीक्वेंस जो है वो सेम ही रहते हैं, पर इसके आगे के जो सीक्वेंस है वो मैं अपने मन के अकॉर्डिंग करती हूँ। जो मेरे हाथ में पहले आ गया मैं वही कर लेती हूँ। फिर मोस्टली मैं मेकअप करने के बाद ड्रेस पहनती हूँ, और अगर मैं ध्यान से ड्रेस ना पहनूँ ना तो जो लिपस्टिक होती है वो मेरे ड्रेस में ज़रूर लग जाती है। पर ये ट्रांसफ़र प्रूफ है, तो इसको लगाने के बाद चाहे मैं ड्रेस पहनूँ या मास्क लगाऊँ ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। इनकेस आपको ये ट्राई करना हो तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल है। तो इसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बारिश की वजह से यहाँ दिन में ही थोड़ा अंधेरा हो गया है, खैर वो जाने दो। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ, और उसी से थोड़ा बहुत गैप्स को फिल कर लूंगी और फिर इन पे ब्रश करके इन्हें सेट कर लूंगी। तो ऑलमोस्ट अब मेरा मेकअप हो गया है, बस एक लास्ट चीज रह गई है, वो है ये मस्कारा। बाय द वे मैंने इसे हमेशा मस्कारा ही प्रोनाउंस किया है, तो कभी कभी वो मस्कारा ही निकलता है, मस्कारा नहीं निकलता है, क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि इसे मस्कारा बोलते हैं, और मुझे हमेशा से ही ये मस्कारा पता था। पर अब जब मुझे पता है कि इसे मस्कारा बोलते हैं तो मैं यही कोशिश करूंगी बोलने की, पर अगर गलती हो जाए तो भूल चूक माफ कर देना। मस्कारा एंड टिंट्स, ये दोनों मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स में से फेवरेट हैं, क्योंकि इनको अप्लाई करते ही ना फेस पे एंड आईज में अलग सा ही डिफरेंस आ जाता है। बाकी चीजें मैं अगर ना भी लगाऊं ना तो भी चलेगा, पर ये दोनों चीजें तो मेरे मेकअप में रहती ही हैं। हो गया मेकअप कंप्लीट। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है मेकअप का, मैं अभी भी सीख रही हूँ, तो ज्यादा मुझे आई शेडोज वगैरह के बारे में भी नहीं पता है, और मुझे मेरा फेस और स्किन बिना मेकअप के ही ज्यादा पसंद है। मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, वो इतना कुछ अप्लाई कर लेते हैं फिर भी वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। पर अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा हो। और इसी के साथ यहाँ वीडियो होती है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों ने इंजॉय किया हो। तो कमेंट्स में मुझे बताना कि किस टाइप का मेकअप आपको पसंद है और आप कैसा करते हैं। अब जाने से पहले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दर्शाते जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। Bye.